लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए पावर प्लांट गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम लोग जानेंगे एक ठो एचपी और एलपी हीटर में हीटिंग जोन किसको कहते हैं और कितना ठो हीटिंग जोन है, साथ में जानेंगे इंडिविजुअल हीटिंग जोन का फंक्शन क्या है हीटर का अंदर में। तो ये सारे चीज़ जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखते रहिए। पहले हम लोग जानेंगे एक ठो फीडवाटर हीटर में हीटिंग जोन किसको कहते हैं। एक ठो फीडवाटर हीटर सेल का इनसाइड में सेपरेट एरिया को हीटिंग जोन कहते हैं। एक ठो फीडवाटर हीटर चाहे वो एलपी हीटर हो या एचपी हीटर हो, उसका इनसाइड में तीन ठो हीटिंग जोन रहता है, कंडेंसिंग जोन, सबकूलिंग जोन, डी सुपर हीटिंग जोन। चलिए ये वाला पिक्चर को देख के और अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। पिक्चर में दिया गया फीडवाटर हीटर एक ठो हॉरिजॉन्टल फीडवाटर हीटर है। फीडवाटर हीटर का ए वाला पर्सन या एरिया को डी सुपर हीटिंग जोन कहते हैं। फीडवाटर हीटर ए वाला पर्सन या एरिया को कंडेंसिंग जोन कहते हैं। फीडवाटर हीटर का इस वाला पर्सन को सब कूलिंग जोन कहते हैं। हम लोग हीटर का जो इंडिविजुअल हीटिंग जोन है उसका फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला हम लोग डिस्कशन करेंगे डी सुपर हीटिंग जोन में क्या होता है। डी सुपर हीटिंग जोन में जो स्टीम एंटर हो रहा है फीडवाटर हीटर का अंदर को, वो उसका मैक्सिमम सुपर हीट फीडवाटर जो कि आउट हो रहा है फीडवाटर हीटर से, उसको प्रोवाइड करके डी सुपर हीट हो जाता है। इसीलिए हीटर का अंदर में जो डी सुपर हीटिंग जोन का लोकेशन होता है वो फीडवाटर का आउटलेट वाला एरिया में होता है। ये वाला पिक्चर को आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे एक तो फीडवाटर हीटर का कंडेंसिंग जोन का फंक्शन क्या है। हीटर का कंडेंसिंग जोन में जो सारे स्टीम एंटर हुए हैं हीटर का अंदर में वो कंडेंस्ड होता है और जो नॉन कंडेंसेबल गैस है वो यहीं पे रिमूव होता है। नॉन कंडेंसेबल गैस को निकालने के लिए वेंट टू कंडेंसर जो वेंट है वो इसी पर्सन से निकल के कंडेंसर को गया है। हीटर का अंदर में फीडवाटर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर गेन होता है वो इसी जोन में होता है, क्योंकि हीटर का अंदर में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो ज़्यादा अमाउंट का कंडेंसिंग जोन में ही होता है। क्योंकि ज़्यादा अमाउंट का स्टीम इसी जोन में उसका लार्ज अमाउंट का लैटेंट हीट फीडवाटर को दे के कंडेंस्ड होते हैं। अभी हम लोग बातचीत करेंगे हीटर का अंदर में जो सब कूलिंग जोन है उसके बारे में। हीटर का अंदर में कंडेंसिंग जोन में स्टीम कंडेंस्ड होने का बाद सब कूलिंग जोन को आता है और यहाँ पे उसका जो टेम्परेचर है वो सेचुरेशन टेम्परेचर रहता है। उसी सेचुरेशन टेम्परेचर वाला वाटर को जो फीड वाटर इन हो रहा है हीटर का अंदर को, फिर से उसको ठंडा कर देता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर प्रोसेस से। इसीलिए इस जोन का नाम है सब कूलिंग जोन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में ज़रूर आपको कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।